ऋषिकेश में, मतलब ऋषिकेश में ही है, राइड ख़त्म करने के बाद में आगे कैंप में, ठीक है। मैंने बोले थे कपड़े चेंज करेंगे, बट अभी कपड़े सूख चुके हैं ना, कैंप पे बैठे हैं, धूप भी है। तो गाइस अभी जो भी कॉस्ट है पूरी कैंप राफ्टिंग से लेके कैंप होटल तब पूरा चार्ज जो भी है लास्ट में बताएंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अभी मैं कैंप में आ चुका हूँ, तो कैंप आपको मैं पूरा कैंप घुमाने वाला हूँ। और जी गाइस ज़्यादा प्राइस नहीं है, एकदम चीपेस्ट प्राइस में है और काफ़ी अच्छा कैंप है, ठीक है, अभी दिखाते पूरा। तो पहले तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है स्विमिंग पूल, ठीक है, इसमें अभी ये स्विमिंग पूल भर रहा है, और इस भर जाने के बाद में हम लोग इधर नहाएंगे। और स्विमिंग पूल में नहाते समय हम लोग इधर से पीछे जो पहाड़ है उनका व्यू फ़ोटो काफ़ी अच्छी ले सकते हैं, और बाकी ये हरी भरी घास वगैरह है देख सकते हो। और यहाँ पे अपनी बाइक वगैरह खड़ी है, उधर पे अपनी है, विकास भाई की है, राजा के भाई की है, बोलू की है, मतलब सारी अपनी बाइक है चारों, ठीक है। और जो वो रहे कैंप, ठीक है, अभी अंदर से दिखाएंगे। अंदर से गाइस इतने अच्छे हैं, ऐसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। कॉस्ट गाइस बहुत सस्ती है यार, मतलब बहुत चीपेस्ट है, ठीक है। राजा भाई उधर घूम रहे हैं वो लोग अपनी, और चलो अभी अंदर से दिखाते हैं। और मेरे पीछे भी पहाड़ है देख सकते हो, तो अभी चलते हैं पूरा कैंप दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा हमारे कैंप का ग्राउंड, वो रहा स्विमिंग पूल, बाद में नहाएंगे भर जाने दो। यहाँ पे रही अपनी बाइक पार्किंग, ठीक है, और अभी चलते हैं कैंप की ओर। और यहाँ पे हाँ वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, देख सकते हो, इस प्राइस आप लोग सोच भी नहीं पाओगे इतना सस्ता है। राफ्टिंग लगा के ही, राफ्टिंग और इसका प्लस एक ही में अमाउंट है। बाकी यहाँ पे वो कैंप रहा है, ठीक है, वो अपने कैंप नहीं है, उनकी कॉस्ट भी बता दूंगा बाद में। और उधर पे खाने पीने का बना हुआ है, तो अपना कैंप इधर पे है, ठीक है, अभी इसको अंदर से दिखाएंगे। और व्यू देख सकते हो गाइस, क्या ही व्यू है। तो अपना जो कैंप है, अपने दो कैंप है फ्रेंड्स, ये रहा अपना कैंप, ठीक है, दो कैंप हैं, एक उधर पे भाई वाला, और दोनों ही सेम है। चलो अब अंदर से दिखाते हैं। तो गाइस जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पे कैंप के अंदर हमें चार बेड दिख जाते हैं सिंगल सिंगल के, देख सकते हो, एक दो तीन चार, ठीक है। इधर पे एक कूलर, यहाँ पे देख सकते हो ठंडा ठंडा कूलर लगा हुआ है। और फिर अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है हमारा लेटरिन बाथरूम, वो कमोड रही, बाकी यहाँ पे शावर मिल जाता है। पहले यूज़ करके देखते हैं, चलता भी नहीं चलता भाई, भाई 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 चलता चलता, ठीक है। बाकी उधर पर विंडो रही। और कैंप आप लोग बताना कैसा लगा, अभी बाहर से आपको सिनेमैटिक शॉट भी दिखाते हैं, बंद कर दो, ठीक है। और ये रहा अपना गार्डन, जैसे कि मैंने बताया, वो पार्किंग रही, और बाकी ये पहाड़ रहा, ठीक है। और अभी फिर आगे शूट करते हैं, ठीक है। अभी टाइम हो गया 3, ठीक है, कैंप में लगा दिया अपना ताला, और अभी कुछ खाने को चल रहा है, यहीं पर आया खाना। और खाने का चार्ज है या नहीं है, सारा जो भी कोई डाउट है प्राइस का, वो सब लास्ट में क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। बाकी राजा भाई तो उधर स्विमिंग पूल में मजे कर रहे, देख रहे हो, जूम नहीं होता आगे से, देखो ना रहे तो, अरे खाने खाने जा रहे हो, सिर्फ बस मजे कर रहे थे पूल में। चलो जब भी एक बार पास से दिखा देते हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं ये लोग, वॉलीबॉल। ये लो, अरे वाह, अरे वाह, नाइस। ये लो पूल, तो पहले खाना खाते हैं फिर पूल में हम भी मजे करते हैं। गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, खाएंगे खाना, देखते हो तो कितना अच्छा बना हुआ है। और खाने में क्या क्या है दिखाते हैं आपको, यहाँ पे है पुलाव चावल, और यहाँ पे है सूखी सब्जी आलू की, और इधर पे है बूंदी का रायता, और नंबर 4 पे पानी, अभी दाल भी आ रही है, जर्मन भी है छोटा सा। फ्रेंड्स खाना जैसे कि आप सभी को मैंने दिखाई दिया था, और खाना काफ़ी अच्छा था, नॉर्मल जैसे ही घर पे ही खाते हैं वैसे ही एकदम था, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं आया। कॉस्ट सिर्फ एक बार पड़ता है, बाकी कैंपिंग खाना सब फ्री है उसी के साथ में। तो अब कॉस्ट की बात करते हैं, तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया होगा MBA एडवेंचर, तो उसका जो लॉन्ग में है माँ भगवती, ठीक है, वो आप आगे क्लिप करके स्किप करके देख लेना, वो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया होगा। तो उसकी कॉस्ट टोटली 1300 रुपये पड़ी है,
राफ्टिंग भी करी 12 किलोमीटर की, ठीक है। फिर आपको मैंने कैंप भी दिखाया, कैंप भी कितने अच्छे हैं, ठीक है। आज रात यहीं पे बिताने हैं। फिर अभी हमने खाना खाया, खाने पे कोई लिमिट नहीं है, जितना खाओ, मतलब जितनी आपकी लिमिट हो उतना खाओ, ठीक है। तो मेरी जितनी लिमिट थी मैंने तो खा ली, तो टोटली कॉस्ट 1300 रुपये पड़े, ठीक है। एक बार मैं अपने भाई से फिर से पूछवा दूँगा, ठीक है, भाई से ही पूछवा दूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में, जो मैंने स्विमिंग पूल लिया है ना उसमें जा रहा हूँ, डुबकी लगाऊंगा, फिर वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। गाइस अभी स्विमिंग पूल नहाने के बाद में हम लोग जा रहे हैं एक वाटर पार्क, ठीक है। विकास भाई बोल रहे हैं उधर चल रहे वाटर पार्क में, तो चलो अभी वाटर पार्क निकलते हैं। तो सारे लोग रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, और बस यहाँ से निकल रहा है, बाइक पर चलते हैं और निकलते हैं। हम लोग पहाड़ों पर ही चल रहे हैं अभी वाटर पार्क के लिए। गाइस ये रहा वाटरफॉल, देख सकते हैं पहाड़ों से आ रहा पानी। तो अभी चलते हैं और इसके चार्ज वगैरह लगते हैं वो भी आपको बताते हैं, कोई कॉस्ट वॉस्ट लगती है तो। गाइस देख सकते हो एकदम नज़दीक आ गया हूँ, पानी कितना साफ है और पहाड़ों से पानी गिर रहा है। भाई अभी इसमें नहाने चलते हैं और बाकी चलो वहीं भी चलते हैं। तो गाइस पानी तो काफ़ी ठंडा आ रहा है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है गाइस, देख सकते हो उधर राजा भाई चला ही गया नहाने, बाकी इधर भी पहाड़ों से पानी आ रहा है। क्या स्पीड से पानी निकल रहा है ये, और आकाश भाई उधर मजे कर रहे, सारे लोग मजे कर रहे। अभी मैं भी जाऊंगा ट्राई करता हूँ, मैं भी कितना ना यार तो भाई अभी उधर ना के आए ना अपने यहाँ पे कैंपिंग था वहाँ पे ना के आए, और अभी इधर भी देखते हैं, पानी बहुत ठंडा है यार भाई। गाइस कॉस्ट कुछ नहीं है, नॉर्मली है, और ये पहाड़ों से पानी आ रहा है गाइस। तो बोलो भाई कैसा लग रहा? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। तो नहाने नहीं गए तुम? जा रहे यार, ठंड लग रही गाइस इतनी, मतलब जो धार गिरे ना उससे हवा ही, उसकी जो हवा इतनी ठंडी लग रही है, मतलब जाऊँगा मैं भी। चलो बोलू तो जाने वाला है, मैं भी जाता हूँ कुछ टाइम में। फ्रेंड्स मैं तो झरने के नीचे नहीं गया क्योंकि पानी गाइस इतना ठंडा है, कह नहीं सकते। वैसे ठंडी काफ़ी तेज लग रही है, मौसम देख ही सकते हो आप। तो मैं नहीं गया, बट मैंने रील बनवा ली दूर से ही, मतलब थोड़ा भीग के, बाकी ये लोग कभी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस झरने की स्पीड काफ़ी तेज है, वो तो आपको वीडियो में दिख रही होगी, नहीं दिख रही। और गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है ऋषिकेश में, ऐसा नहीं है। और कल हम लोग हरिद्वार निकलेंगे, तो आज जितना इंजॉय ऋषिकेश में कर रहे हैं कर ले रहे हैं। भाई अभी रील वगैरह बना रहे उधर पे, वो लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, बैठा हुआ है, मैं भी इधर बैठा हूँ कंप्यूटर पे। मैं भी मतलब यार तेल नहीं लगाया तो बाल थोड़े अजीब से लग रहे हैं, और बाल काफ़ी छोटे काफ़ी अजीब से लग रहे हैं। अभी मैं और भी रील बनाऊँगा, चलो आगे मिलते हैं। गुड लोकेशन को हम लोग करते हैं बाय बाय, और अभी निकलते हैं कैंप की ओर। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, गुड लोकेशन, कैंप की साइड चलते हैं। गाइस वापस से कैंप में आ चुके हैं, भाई झरने नहाने के बाद में इधर स्विमिंग पूल में एंजॉय। क्या तुम भी टेस्ट करो वाटर प्रूफ? पेट पे
तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल टाइप कितना हुआ ये यहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इनके साथ काफ़ी वॉलीबॉल खेला भाई ने, बट हम तो पानी में गए नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा काम वगैरह देखते हैं, यही क्या है। तो मैं मतलब आज तो काफ़ी नहाया, राफ्टिंग के बाद में स्विमिंग पूल में नहाया, नहाने के बाद में फिर झरने पे गए, झरने के बाद में फिर आके लौट के स्विमिंग पूल में नहाया, ठीक है। और अब फिलहाल मैं मतलब कपड़े पहन के बैठा हूँ शांति से। अभी इधर पे अपना एक न्यू नेट लगा, ठीक है, अभी लगाया वही जो भैया थे ना अभी, तो उन्होंने नेट लगाया और अभी साथ में उनके वॉलीबॉल खेलेंगे कुछ टाइम में, ठीक है। और फिर वॉलीबॉल टाइम खेलते हुए बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है जैसे कि आप सभी को दिख रहा है। तो अभी तो हम लोग कहीं मतलब कल घूमने जाएंगे, तो अभी तो हम लोग अपने कैंप में है, तो देख सकते हो कैंप के बाहर पे है। और जो कैंप के बाहर वाला मैंने दिखाया था वॉलीबॉल खेलेंगे, तो अभी यहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा है, देख रहा हूँ। तो अभी मैं भी खेल रहा था, अभी मैं थोड़ा आ गया वीडियो बनाने, मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 11, तो अभी मैं अपने कैंप में हूँ और अभी मैं सोने वाला हूँ, खाना पीना खा लिया मैंने, ठीक है। तो ये अपना बिस्तर है कैंप के अंदर, बाकी सुबह मैंने दिखाई दिया था लेटिंग का, तुम एक बार फिर से देख लो, ये रहा कमोड अंडर। बाकी यहाँ पे कूलर है और पंखे की जगह लाइट है। तो अभी बाहर से व्यू दिखा देते हैं नाइट में कैसा सीन है। तो ये है अपने कैंप, देखते हो सारे कैंप लगे हुए हैं, पीछे भी उधर भी है, और नाइट का व्यू कुछ ऐसा सीन है। चलिए फिर गाइस यहीं पे गुड नाइट करते हैं, ठीक है, सोते हैं, फिर कल मिलते हैं।